नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं स्केटेक यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको F5 5G स्मार्टफोन के बारे में। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 29,999 रुपये, जिसमें आपको मिलेगा 8GB रैम प्लस 256GB का इंटरनल स्टोरेज। और इसका जो दूसरा वेरियंट है वो है 33,999 रुपये का, जिसमें आपको मिलेगा 12GB रैम प्लस 256GB का इंटरनल स्टोरेज। ये रेट अभी के टाइम में फ्लिपकार्ट में शो कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के टाइम में फ़िलहाल यही रेट दिख रहा है। बॉक्स कंटेंट में आपको चार्जर और USB केबल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, प्रोटेक्टिव केस भी मिल जा रहा है, तो चार्जर नहीं होने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सारा चीज़ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। फिज़िकल ओवरव्यू का अगर बात करें तो इसमें आपको पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और इसमें आपको 3.mm का ऑडियो जैक भी मिल जा रहा है। 7.9mm का थिकनेस है और 181 ग्राम का वेट है। IP53 का रेटिंग दिया हुआ है, यानी कि डस्ट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट है, हल्का फुल्का पानी बर्दाश्त कर लेगा। पोको F5 5G का जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसमें आपको HDR10 प्लस डॉल्बी विजन भी मिल जाएगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, प्लस इसमें आपको 1000 nits का पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। कैमरा का अगर बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जिसमें 64MP का OIS कैमरा प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2MP का मैक्रो कैमरा आपको मिलेगा, जिसमें आप 4K एट 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस 1080p का वीडियो 60fps और 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको एक सेल्फी कैमरा भी मिलता है 16MP का, जिसमें आप 1080p का वीडियो 60fps और 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि कैमरा का भी अगर सेटअप देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। OIS कैमरा आपको मिल जा रहा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको मिल रहा है यहाँ पर, और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हालांकि 30fps दिया है, जबकि 60fps भी इस प्राइस रेंज में 4K में 60fps का भी ऑप्शन देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में। परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7+Gen2 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 4nm के टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, यानी कि काफ़ी एफिशिएंट चिपसेट है। इसका अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो 9 लाख के ऊपर का इसका अंतुतु स्कोर आता है, यानी कि पावर के मामले में तो कोई कमी नहीं है, एकदम पावरफुल स्मार्टफोन है। LPDDR5 का रैम है इसमें, UFS 3.1 का स्टोरेज है, यानी कि रैम भी ज़्यादा है और स्टोरेज जो है वो भी फास्ट है। और इसमें आपको जो मैक्सिमम है 12GB का रैम मिल जाएगा प्लस 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। यानी ऑल ओवर अगर परफॉर्मेंस का बात करें तो एक कंप्लीट पैकेज है परफॉर्मेंस का, काफ़ी पावरफुल है। गेमिंग वगैरह के लिए तो खैर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका चिपसेट काफ़ी पावरफुल है, स्टोरेज भी जो है वो भी 3.1 का फास्ट स्टोरेज है, रैम भी आपको इसमें ज़्यादा मिल जा रहा है, मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर सकते हैं। 4nm का चिपसेट है, यानी काफ़ी एफिशिएंट है, बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा, ऑल ओवर एक कंप्लीट पैकेज है परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो। सॉफ्टवेयर का अगर बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 13 आता है, बेस्ड ऑन MIUI 14, 5000mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको इसमें मिल जाएगा, 67W का फास्ट चार्जिंग है, यानी कि बैटरी का कैपेसिटी भी ज़्यादा है, फास्ट चार्जिंग भी अच्छा है। अब अगर इस रिव्यू को एक समअप कर इसका एक कंक्लूजन निकालें तो क्या, मतलब हमको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, तो डिस्प्ले इसका नो डाउट बहुत बढ़िया है, कैमरा अच्छा दिया हुआ है, परफॉर्मेंस में तो शानदार परफॉर्मेंस है, रैम और स्टोरेज दोनों ही फास्ट है, बैटरी और चार्जिंग भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और जो अच्छा नहीं लगा उसमें एक कमी हमको महसूस हुआ वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। इस प्राइस रेंज में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद IP53 का रेटिंग है, मेरे ख्याल से इसमें कम IP67 का रेटिंग होना चाहिए था।
और एक प्रॉब्लम है कि माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का कोई स्लॉट नहीं है, यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज है उसी हिसाब को काम चलाना होगा। वैसे इंटरनल स्टोरेज भी काफ़ी है, सफिशियंट है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप माइक्रो एसडी कार्ड नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ता है, ऐसा आपका कुछ काम है जिसके लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये लैग करेगा क्योंकि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को इसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता है, MIUI जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे को पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है आपको अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको MIUI अच्छा लगता है या नहीं। मेरे को उतना पर्सनली बढ़िया नहीं लगता, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को नॉट गुड में रखें क्योंकि उतना ठीक नहीं लगता। थोड़ा सा और क्लीन और बढ़िया, क्योंकि प्राइस रेंज भी कोई 30,000 के अंडर, 30,000 के रेंज का फ़ोन है, तो एक क्लीन सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। अगर इसमें भी आपको ब्लोटवेयर वगैरह सब मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा इतना महंगा स्मार्टफ़ोन लेने का। तो ये था मेरा व्यू पोको F5 5G स्मार्टफोन के ऊपर में। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। और ये स्मार्टफ़ोन कितना बढ़िया है इस प्राइस रेंज के दूसरे स्मार्टफोन से, आने वाले वीडियोस में उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये स्मार्टफोन क्या इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है। ऐसे इसमें जो भी फीचर्स वगैरह दिया हुआ है इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, स्मार्टफोन अच्छा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि जो भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पोको एफ सीरीज का पुराना स्मार्टफोन सब यूज किया है, तो उनका ये मतलब डिमांड है कि इसके साथ में एक मदरबोर्ड भी एक्स्ट्रा देना चाहिए। मतलब इसका रेपुटेशन इतना ख़राब है मदरबोर्ड को लेकर के कि लोग अब एक्स्ट्रा मदरबोर्ड का डिमांड करने लगे हैं। यानी कि ये स्मार्टफोन का मदरबोर्ड हो सकता है कि 5 में शायद ऐसा देखने को नहीं मिले, लेकिन पूरे सीरीज़ में लोगों ने इतना शायद इसके मदरबोर्ड का प्रॉब्लम को झेला है कि अब उनको एक्स्ट्रा मदरबोर्ड चाहिए पोको एफ सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ। देखिए ऐसे स्मार्टफोन तो है चाइनीज़, अब चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, बाकी आप देख लीजिए। ऐसे इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छा दिया हुआ है, अब बस यही है कि चलना चाहिए भाई, नहीं चला तो सब बेकार है। तो ये था मेरा व्यू पोको F5 5G स्मार्टफोन को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।